हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। आज माय टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 6 में सम प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशंस बताएंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 80 एएम एंड ट्रैवल टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। एंड द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 एएम एंड ट्रैवल्स टुवर्ड्स एट ए एट 75 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम डू दे मीट? किस समय दोनों मिलता है पूछा है। जो दो सिटीज है ए और बी, बीच का दूरी कितना है 330 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह 8 बजे फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट होता है कितना किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर से सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सुबह 9 बजे तक ये ट्रेन कितना तय करता है? फर्स्ट ट्रेन 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा, 1 घंटा तो 60 किलोमीटर तय कर लेगा। तो और बचे कितना 330 से 60 माइनस करने से, और जो डिस्टेंस बचा 270। तो बी दूसरा ट्रेन 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ट्रेन भी 9 बजे ही लेना है। तो 9 बजे से 9 बजे तक कितना बचा है डिस्टेंस दोनों को? 270। तो रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम पूछा है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस कितना बचा? 270। 9 बजे तक कितना बचा था? 270 किलोमीटर। 270 बाय रिलेटिव स्पीड क्या था? ये 60 से जा रहा है, ये 75 से जा रहा है। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है? दोनों प्लस करना है। 60 प्लस 75, तो 270 बाय 60 प्लस 75 क्या होगा? 135। 135 टू जा, तो टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे। तो 9 बजे के बाद वो कब मिल रहा है? 2 घंटा में। तो कितना समय में मिलेगा? 9 AM प्लस 2 आवर इज इक्वल टू सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे मिलेगा दोनों ट्रेन। ओके, टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली एट 6 AM टुवर्ड्स ईच अदर। व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर देन ट्रेन ए एंड बी विल टेक 4 आवर एंड 9 आवर रेस्पेक्टिवली टू रीच देयर डेस्टिनेशन। फाइंड देयर स्पीड रेशियो एंड ऑल्सो फाइंड द व्हाट टाइम द बोथ ट्रेन क्रॉस। जो दिया है पी एंड क्यू के बीच में जर्नी कर रहे हैं, ये ट्रेन है, ये एक ट्रेन, बी एक ट्रेन, ये अपोजिट डायरेक्शन में तय कर रहे हैं। ओके, ये दोनों यहाँ पे मीट हुआ मानने से जेड में बी ट्रेन को जेड पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, ये ट्रेन को भी उतना समय लगेगा, इसलिए दोनों एक ही समय में जेड का पास मिलेगा। तो ए का स्पीड वी वन मानने से, बी का स्पीड वी टू मानने से डिस्टेंस क्या होगा? बी टू बी जेड वी टू टी होगा। तब ये जेड पी टू जेड क्या होगा? बी वन टी होगा डिस्टेंस। पी टू जेड क्यू टू जेड, क्यू टू जेड वी टू टी और पी टू जेड वी वन टी। तो क्या दिया? व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर देन ट्रेन ए एंड बी विल टेक 4 आवर्स एंड 9 आवर्स रेस्पेक्टिवली। जो मीट होने के बाद बी को कितना समय लग रहा है उसका डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, पी पहुंचने के लिए 9 घंटे लग रहे, और ए को कितना समय लग रहा है क्यू पहुंचने के लिए, उसको 4 घंटे लग रहे। तो ये 4 घंटे किस स्पीड से जाएगा? ये वी वन स्पीड से जाएगा। बी किस स्पीड से जाएगा? वी टू स्पीड से जाएगा। तो वी क्या होगा? ये डिस्टेंस जो है वी वन इंटू टू डिस्टेंस किसके बराबर होगा? वी टू इंटू नाइन। वी वन इंटू टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वी टू इंटू बी 9 आवर्स के बराबर होगा। जैसे वी टू इंटू टी डिस्टेंस किसके बराबर होगा? वी वन इंटू 4 आवर्स। ओके, ये डिवाइड करने से क्या होगा? टी टी कटेगा, वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू क्या आएगा? वी टू बाई वी वन इंटू 9/4। तो वी वन स्क्वेयर बाई वी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा? 9/4। दैट इम्प्लाइज वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट ओवर 9/4 इज इक्वल टू 3/2। तब वी वन इज टू वी टू क्या आया? 3:2। जब पूछा क्या था उनका? गति अनुपात। गति का अनुपात क्या आया? 3:2। फिर क्या पूछा? दोनों का समय पूछा, किस समय पर करता है ट्रेन
किस समय पर क्रॉस करता है, टाइम क्या था, टाइम इज इक्वल टू क्या, या टाइम इज इक्वल टू वी वन इस तरफ जाने से वी टू बाई वी वन इंटू नाइन, तो वी टू क्या था टू वी वन थ्री इंटू नाइन, थ्री थ्री जा थ्री टू जा सिक्स आवर्स, तब टाइम कितना समय लगेगा वो दोनों को, फाइंड द वॉट टाइम द बोथ ट्रेन क्रॉस, क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा बोथ ट्रेन को, 6 घंटे, जो टाइम क्या आया 6 आवर्स। ओके सेकेंड मेथड, इस टाइप का क्वेश्चन को फॉर्मूला वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू स्पीड रेशियो पूछने से रूट ओवर टी टू बाई टी वन होगा, जैसे टाइम पूछने से क्या होगा टी वन इंटू टी टू। ओके वी वन बाई वी टू क्या आएगा रूट ओवर टी टू बाई टी वन, टी टू 9 आवर्स, टी वन 4 आवर्स, 9/4 इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 3:2, टाइम क्या आएगा टाइम इज इक्वल टू टी वन इंटू टू टू टी टू 4 × 9 इज इक्वल टू रूट ओवर 36 इज इक्वल टू रूट 36 मीन्स 6 आवर, टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे, टाइम स्पीड रेशियो 3:2। ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ ए सर्टेन स्पीड, इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 15 km/h देन ही विल 10 मिनट्स लेट, इफ हिज इनिशियल स्पीड इज 120 km/h फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। एक पर्सन का इनिशियल फाइनल स्पीड दिया, इनिशियल कितना था उसका स्पीड 120 km/h, तो कितना कम कर रहा है 15 km/h, तो फाइनली किस में जा रहा था 105 km/h से जा रहा है, तो कटने से 15 8 जा 15 7 जा, उसका स्पीड रेशो क्या था 8:7, सेट टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम था तो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, तब टाइम रेशो क्या होगा बाय स्पीड रेशो, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। ओके तब टाइम क्या होगा रिवर्स होगा 7:8, तो टाइम डिफरेंस क्या था इनिशियल टू फाइनल 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू कितना दिया इज इक्वल टू 10 मिनट्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स, फिर 7 यूनिट्स क्या होगा 70 मिनट, फिर डिस्टेंस क्या आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड इंटू इनिशियल टाइम, इनिशियल स्पीड 120, इनिशियल टाइम 70 मिनट्स, 70/60 आवर, 60 × 2 = 270 140 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस क्या था 140 किलोमीटर्स। ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद 30 km/h एंड ही विल बी 10 मिनट्स लेट, बट इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस विद स्पीड 40 km/h देन ही विल बी 5 मिनट्स बिफोर, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम। जो दिया है फर्स्ट केस सेकेंड केस, फर्स्ट केस में स्पीड रेशियो स्पीड जा रहा है 30, सेकेंड केस में 40 जा रहा है, तो स्पीड रेशियो क्या आया 3:4, तो डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तो टाइम रेशियो क्या होगा रिवर्स होगा 4:3, तो टाइम का फर्स्ट टू सेकेंड केस में डिफरेंस क्या था 1 यूनिट, तो फर्स्ट केस में क्या रहता था 10 मिनट्स लेट, लेट मीन्स 10 मिनट्स माइनस, सेकेंड केस में क्या था 5 मिनट्स बिफोर, मतलब बिफोर मीन्स प्लस, पहले जा रहे तो 5 मिनट्स प्लस, तो दोनों का अंतर क्या आएगा डिफरेंस 5 - -10, तो 5 - -10 = 15, 15 मिनट्स, दोनों का अंतर क्या रहा है 15 मिनट्स, तो किसका बराबर होगा टाइम डिफरेंस जो है 1 यूनिट का, 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 मिनट, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा 4 × 15 60 मिनट्स, तो क्या पूछा था देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तब डिस्टेंस क्या होगा इनिशियल स्पीड फर्स्ट स्पीड इनटू टाइम 60 मिनट, 60 मिनट मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस क्या होगा 30 किलोमीटर्स। सेकेंड मेथड देखेंगे, जो स्पीड दिया 30 40, तो डिस्टेंस क्या आएगा इसका एलसीएम, एलसीएम क्या था 120, ये डिस्टेंस मानने से
जब टाइम रेशियो क्या आएगा, 120/30, तो 4, 120/40, 3, स्पीड रेशियो 30:40, टाइम रेशियो 4:3, टाइम डिफरेंस क्या था, 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर था, फर्स्ट केस में 10 मिनट्स लेट, सेकंड केस में 5 मिनट्स बिफोर, तो प्लस किया तो दोनों का डिफरेंस क्या था, 5 - -10, तो -2 - +, तो 15 मिनट। तो किसके बराबर था ये, 1 यूनिट का, 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 मिनट्स है, तो 4 यूनिट क्या होगा, 60 मिनट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड 30, 30 किलोमीटर पर आवर, इंटू उसका कितना समय लग रहा है, 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। इफ ए पर्सन कवरेज सर्टेन डिस्टेंस विद 10 किलोमीटर पर आवर एंड विल बी 10-15 मिनट्स लेट, इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस विद 12 किलोमीटर पर आवर देन 5 मिनट्स लेट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। जो स्पीड दिया है 10 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस क्या आएगा, इसका जो एलसीएम 60 यूनिट। तो क्या होगा, 60/10, टाइम रेशियो क्या आएगा, 6, 60/12, 5, जब टाइम डिफरेंस क्या आया, 1 यूनिट। तो फर्स्ट केस में क्या था, 15 मिनट्स लेट, फिर सेकंड केस में क्या था, 5 मिनट्स लेट, लेट तो माइनस, तो दोनों का अंतर क्या था, टाइम डिफरेंस, यहाँ पे टाइम डिफरेंस क्या आया, 1 यूनिट, यहाँ पे टाइम डिफरेंस क्या था, -5, -15, -5, -15, तो क्या आया, 10 मिनट्स। तो अंतर क्या आया, टाइम डिफरेंस 10 मिनट, तब 6 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स है, तो 6 मिनट इज इक्वल टू, 6 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, 6 मिनट। जब डिस्टेंस क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंटू ये स्पीड से कितना समय लग रहा है उसको, 60 मिनट, तो 1 आवर, तो डिस्टेंस क्या हुआ, 10 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।